दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखें, नीतीश कुमार का गया को बड़ा उपहार, घर घर तक पहुंचा दिया गंगा जल, कहा सभी धर्मों के लिए समान रूप से हो रहा है काम। यदि के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब जिले के 45,000 से अधिक घरों के नलों में गंगा का पानी पहुँचने लगा है। सीएम ने कहा की गर्मी में जिस तरह पानी की किल्लत होने लगती थी, अब गंगा जल पहुँचने के बाद ये परेशानी खत्म हो सकेगी। आपको बता दें की गया वासियों के घरों तक गंगा जल पहुँचाने के लिए करीब 450 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। वहीं के गंगा जल प्लांट के उद्घाटन से गया वासियों में खुशी की लहर है। मानपुर के अबगिला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों में और दूसरे फेज में शहर के 78,000 से अधिक घरों तक गंगा जल का सप्लाई हो सकेगा। दूसरी तरफ में देखिए, तेजस्वी यादव बोले फाल्गु नदी को माता सीता ने दिया था श्राप, सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया श्राप मुक्त। जी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सोमवार को गया व बोधगया में गंगा जल आपूर्ति का योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह दिल्ली में बैठकर बकवास करते रहते हैं, नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। वहीं उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दक्षिण बिहार का इलाका सूखाग्रस्त रहता था, नीतीश कुमार जी ने इस इलाके में गंगा जल पहुंचा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे बड़ा काम और क्या ही हो सकता है, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कल्पना को साकार कर दिया है, नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मान्यता है कि फाल्गु नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, नीतीश कुमार जी ने इस नदी को आज श्राप मुक्त कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में 5G सेवा शुरू, सिम बदलने के लिए नहीं होगी जरूरत, इन इलाके में ले सकेंगे हाई स्पीड डेटा का मजा। जी देखिए, पटना में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, 5G का इंतजार कर रहे पटना वासी अब तेज डेटा स्पीड का मजा ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय एयरटेल ने कल पटना में अपने अत्याधुनिक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी है। जैसे जैसे कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है, एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि ग्राहक इन सेवाओं का लाभ उस मोबाइल में उठा सकेंगे जो 5G सक्षम होगा। ग्राहक इस सेवाओं को उपयोग किसी अतिरिक्त शुल्क के साथ तब तक कर सकते हैं जब तक कि रोल आउट अधिक व्यापक न हो जाए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल 5G की सेवाएं पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना रेलवे स्टेशन, डाक बंगला, मोरिया लोक, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। वहीं कंपनी पूरे शहर में अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। पटना एयरपोर्ट पर भी 5G की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वहीं देखिए, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के भारतीय एयरटेल के सीईओ अनूप अरोड़ा ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि मैं पटना में एयरटेल 5G लॉन्च की घोषणा करते हुए रोमांचित हूं। उन्होंने कहा कि एयरटेल के ग्राहक अब मौजूदा 4G स्पीड से 20 से 30 गुना अधिक तक की गति के साथ एक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, यूपी बिहार में 9.23 लाख देंगे सीजीएल 2022 से टीयर 1 परीक्षा। जहाँ देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 से टीयर 1 1 से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन कराई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के अध्ययन यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 9,23,028 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वही आपको बता दें कि देश भर में तकरीबन 31 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। परीक्षा प्रतिदिन 4 पालियों में 9 से 10, 11:45 से 12:45, 2:30 से 3:30 और 5:15 से 6:15 तक ले जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले रिपोर्ट करने को कहा गया है। बड़ी खबर में देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने के आसार। जी देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी हो सकता है, नतीजे इस सप्ताह के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने पर अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड नतीजे जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1,03,000
पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कई शिफ्टों में होने के चलते नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शराबबंदी ईमानदारी से लागू हो या दारू फ्री की जाए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। जी देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले भी किए जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस कानून को लेकर कहा है कि सुबह के अंदर शराबबंदी को ईमानदारी से लागू किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो राज्य के अंदर शराब को फ्री कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने इसके पहले भी शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि शराबबंदी गरीब के लिए अधिकार है। इतना ही नहीं, सरकार से शराबबंदी हटाने के लिए भी उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप शराबबंदी कानून को हटा दीजिए। वहीं के पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार मान रही है कि पटना में अमीर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, तो फिर वहां गृह सचिव से लेकर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस गरीब लोगों को पकड़ कर खाना फूर्ति करती है। दूसरी तरफ में देखिए, बिहार में बीजेपी ने पहली बार उठाया शराबबंदी पर सवाल। सुशील मोदी बोले 6,000 करोड़ का हो रहा है नुकसान। जहाँ देखिए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के वित्त मंत्री रहे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार की शराबबंदी नीति के कारण राज्य को हर साल 6,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से शराबबंदी कानून को राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए खराब बता रही है। वहीं देखिए, मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक नुकसान के अलावा सभी राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से भी बिहार 3-4,000 करोड़ रुपए से वंचित हो सकता है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के अहंकार, शराब नीति और टकराव के राजनीति के कारण विकास धीमा पड़ा है। आर्थिक चुनौतियों गंभीर हुई है, अब बजट का आकार छोटा करने की नौबत आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार एक तरफ बिहाड़ा, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है और दूसरी तरफ राजगीर में हवाई अड्डा बनाने के लिए केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगा रही है। बड़ी खबर में देखे, लोजपा बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार, चिराग ने किया ऐलान, नीतीश पर साधा निशाना। जब देखिए, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है और इसे लेकर विभिन्न पहलुओं पर बातचीत चल रही है। चिराग ने कहा कि लोजपा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करेगी। सोमवार को राजधानी पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित पार्टी कार्यालय के पार्टी के 23वीं स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग ने ये बातें कही है। चिराग ने कहा कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर चर्चा की जा रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान अंतिम सांस तक समाज के गरीब, वंचित और शोषित लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है और रहेगा, लेकिन पार्टी के विलय जैसी कोई बात नहीं है। वहीं जब पत्रकारों ने चिराग से नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज घर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलने का प्लान बना रहे हैं। अगर सीएम ने अपने पहले कार्यालय में बिहार के विकास के लिए और युवाओं के लिए कार्य किया होता तो यह नौबत यहां तक नहीं पहुंच ही पाता। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 38 जिलों में मानव श्रृंखला का आयोजन, कंप्यूटर विषय को कक्षा 6 से 10वीं तक अनिवार्य करने की मांग, डिजिटल शिक्षा में बिहार 29 राज्यों में से 26वें नंबर पर। जबकि बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है। वहीं कल 28 नवम्बर को पटना समेत बिहार के 38 जिलों में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से सरकार से बिहार बोर्ड में कंप्यूटर विषय कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य रूप से जुड़े सके, इसके लिए मांग की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हजारों की संख्या में लोग इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। पटना के साथ पूरे बिहार में 38 जिलों में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। बता दें कि कंप्यूटर के ज्ञान के मामले में हमारे बिहार बोर्ड के छात्र 29 राज्यों में से 26वें नंबर पर आती है। वहीं हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा में अभी तक बिहार में खर्च कर चुकी है, मगर फिर भी यहां विषय माध्यमिक कक्षा में जोड़ा नहीं होने के कारण इसका लाभ बिहार बोर्ड के तकरीबन 75% बच्चों को नहीं मिल पाता है। बाढ़ कर में देखिए, बिहार के कैथल वलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, 2024 में होगा उद्घाटन। यह देखिए, अयोध्या से जनकपुर के बीच पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा। यही 6 महीने के भीतर दुनिया के सबसे बड़े व 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। वहीं आपको बता दें कि मंदिर का उद्घाटन 2024 में होगा और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के लिए तमिलनाडु के चित्रपल्ली जिले के पहाड़ी से ग्रेनाइट की एक चट्टान ली गई
है। करीब 250 मीट्रिक टन वजन इस चट्टान को 196 चक्के और 122 फीट लंबी लॉरी से महाबलीपुरम पहुंचाया गया, जहां से तरासने के बाद इसे केतवालिया लाने में 1.5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इससे ट्रक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 14 जिलों में लोड का पारा गया सबसे ठंडा। पटना में 13.4 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पछुआ हवा बढ़ा रही है ठिठुरन। देखिए, बिहार में अब ठंड का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अब सुबह रात के समय तापमान तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। पछुआ हवा ने कनकन भी बढ़ा दी है। लोग अब घरों में रजाई और कम्बल का इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं देखिए, पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे अधिक ठंडा शहर गया रहा, जहाँ तापमान करीब 9.6 डिग्री रहा। 10 के नीचे केवल गया जिले का ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम के अनुसार राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का असर लगातार जारी है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं हवा की रफ्तार 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक अगले कुछ दिन राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले करना होगा ये काम, नया नियम लागू। जबकि अब बिना रोड सेफ्टी का वीडियो देख लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा, यह नया नियम शनिवार से लागू कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों के लिए लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें गाड़ी चलाते समय चालक के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी दी गई है। वीडियो में हेलमेट पहने, ओवर स्पीड नहीं चलने, ओवरटेक नहीं करने, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं, अपने लेन में चलने, इमरजेंसी वाहन को रास्ता देने, रेड लाइट जंप नहीं करने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने आदि के बारे में बताया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटी। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जहाँ देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा ली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इसी साल 15 सितंबर को इन शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी। सोमवार को खंडपीठ ने राज्य सरकार के अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। और अंत की बड़ी खबर में देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में लगाए 7 छक्के और रचा इतिहास। 16 छक्कों के साथ खेले नाबाद 220 रन की पारी। जबकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, ऋतुराज गायकवाड़ ने वो कमाल करके दिखाया। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 220 रन की पारी खेल डाली। इस पारी के दौरान उन्होंने 16 छक्के और 10 चौके लगाए, जबकि 159 गेंदों पर उन्होंने इसका सामना किया। अपने इस पारी में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का कमाल किया और इतिहास रच दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।